हाय फ्रेंड्स, नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे यानी कि कंडेरा इन्फोटेक चैनल पर। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारी वीडियो का जो विषय है, वो ये है कि हम किस प्रकार से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को अपनी इच्छा अनुसार, अपने मनपसंद बैकग्राउंड को उसमें सेट कर सके, तो आइए हम बताते हैं किस तरह से हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, जो भी व्यूवर्स अभी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और न्यू है, वो पहले जाइए, वीडियो को हमारी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। देखिए दोस्तों, जो भी चाहते हैं आप लोग कि काइन मास्टर का यूज करके आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दे। देखिए ज़्यादातर सब क्या बताते हैं कि वीडियो का बैकग्राउंड अगर ग्रीन है तो आप उसको फेड आउट करके अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आइए हम बताते हैं आपको कि काइन मास्टर का प्रयोग करके आप किसी भी कलर को उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो बताता हूँ कि काइन मास्टर को ऐसे ओपन करेंगे, ये काइन मास्टर इस तरह से इसका फ्रंट लुक आएगा। ये जो प्लस आपको दिख रहा है, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर दो आया है ऑप्शन, एक तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है आपको। इस पर टैप कीजिए, ये हो गया है ओपन। ये काइन मास्टर का इंटरफेस है। आप देखिए इधर आपके राइट साइड में मीडिया ब्राउज़र लिखा हुआ है, इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ से आप अपना वीडियो या पिक्चर या फोटो जो भी है आप चाहते कि वो बैकग्राउंड में दिखे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में एक पिक्चर हो, ये वाला सिलेक्ट किया मैंने और इधर ओके कर दीजिए। अब इसको आप जितना चाहे इसको टच और ड्रैग कर लीजिए, जितना भी आप चाहते हैं कि ये बड़ा हो जाए उसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। आप देखिए ये जो है बैकग्राउंड है मेरा, अब इस पे मेरे को इसको ओके कर देंगे कि मैंने ये ले लिया है। अब लेयर इधर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेयर पर टैप कीजिए और इसमें सबसे ऊपर एक वीडियो ऑप्शन आया हुआ है, उस पर टैप कर दीजिए। लेयर से वीडियो, वीडियो में अब यहाँ पर वो वीडियो ले लीजिए जिसको आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में वो दिखे। जैसे कि मैंने इस यहाँ से ये वीडियो ले लिया है, देखिए अब ये वीडियो आ चुकी है। इसको मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह सेट कर लूँगा जहाँ भी इसको सेट करना है। ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। यहाँ से आप जब ये सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे राइट साइड में, तो देखिए क्रोमा की ऑप्शन है। इस मेन्यू से क्रोमा की ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये डिसेबल है, इसको अनेबल कर दीजिए। ये देखिए अनेबल हो गया है। यहाँ पर आपको की कलर दिखा है, की कलर यहाँ पर वो कलर है जिसको आप चाहते हैं कि वो फेड हो जाए और उस वो कलर दिखे ही ना, गायब हो जाए, फेड हो जाए और बैकग्राउंड दिखे पे। यहाँ से मैं वो कलर ले लूँगा जो मेरे अभी मैंने जो लेयर से वीडियो बाद में जो लिया है, इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना है मेरे को। यहाँ पर कलर उसका वो ले लेंगे जो कलर था, जैसे मेरी वीडियो में ये कलर है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। देखिए आप एडजस्ट करके देखिए, जहाँ पर आपका अच्छी तरह एडजस्ट होता है वहाँ से वहाँ तक इसको एडजस्ट कर लीजिए और जहाँ आपको लगता है कि अब ये सही फेड हो गया है वहाँ तक आप कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने ये यहाँ पर ये देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया है और मैं यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दूँगा, ये ओके हो गया। अब यहाँ से देखिए मेरे को जिस तरह भी है इसको मैं अपने अच्छी तरह से सेट कर लूँगा। आप अच्छी तरह से टाइम लगाइए इस पर ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाए, अच्छी तरह कलर दिखे। मैंने जल्दी जल्दी किया आपको समझाने के लिए। अब इसको ओके कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये मेरा ये वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो गया, जो पिक्चर में बैकग्राउंड में चाहता था वो आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो भी लगा सकते हैं, मैंने पिक्चर का यूज़ किया है। तो अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए
इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब देखिए इसमें मेरा जो पिक्चर लगाया था इसका पिक्चर का थोड़ा सा क्रॉपिंग डिसबैलेंस है, तो इसको मैं ठीक कर लूँगा एंड पोजीशन का। तो इसको मैं जिस पोजीशन में स्टार्ट पोजीशन का है उस पर ले आऊँगा। ये देखिए स्टार्ट पोजीशन पे भी इसी तरह से है और बैक में भी, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मैं इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब मेरे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, जिसका बैकग्राउंड जबकि ग्रीन नहीं था। इस तरह से आप जो भी की कलर है उसकी मदद से वो सिलेक्ट कीजिए और आपकी वीडियो का लेयर जो वीडियो ली थी उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी चल रहा है आपके सामने, मेरी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब देखिए अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और किसी दोस्त को मदद हो सके और वो अगर अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता है तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो दोस्तों अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कीजिए, बहुत आसान है, और इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।